देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। सरकार बीजेपी की है उनके विकास में जाती है और अगर भेदभाव करेंगे तो अच्छी परंपरा बिना जी की दूसरी बार जीत गए घमंड अहम आ गया कि वो कवर नहीं कर तमाम मुद्दे के खिलाफ है। उन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी चाहते हैं कि पूरा देश चिंतित है जो सभी देशवासियों ने आजादी के बाद में कोई कानून पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर तो कोई जरूरत नहीं पड़ी कि कोई 70 वर्ष के लोग कर्मी करने लोगों को जाके कह देते ये अपना मैं सिद्ध करता है कि जो छात्र और युवा सड़कों उतरा देश का वैसे ही नहीं उतरा संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ आप काम कर कानून बना कोई तो राय नहीं है पर संविधान की धज्जियाँ उड़ा दिया आप भेदभाव कर रहे हो क्योंकि संविधान आप पहले नहीं करते अभी आपने संविधान दिवस मनाया था हम लोगों ने सबको मालूम है वो चाहे घर घर जाओ 3 करोड़ जनता के जाओ चाहे वो नेताओं को भेज रही है और कश्मीर में भेज रहे हैं अपने मंत्रियों को उनको पूछो आज तक इतिहास गवाह है जब कभी ऐसी स्थिति बनी है विपक्ष के नेताओं को भेजा जाता जिससे कि पूरा देश विश्वास करे आप तो हो ही सत्ता में विपक्ष जाता वहाँ पर मान लीजिए कहता भी नहीं बिल्कुल ठीक है स्थिति प्रवेश है तो पूरे मुल्क में सत्ता विलाप हो विपक्ष आपकी भावना का या आपकी कार्य का समर्थन करता है तब जाके जनता में साथ आप उल्टा काम कर हर 15 दिन बाद एक बार पानी के लिए तरसता 70 दिन का क्लोजर रहा है 17 दिन का पानी हमारे पास बचा है इसके लिए पंजाब सरकार से क्या कहेंगे लेकिन पानी की समस्या नहीं आएगी थोड़ी बहुत समस्या आती आती है क्लोजर के बाद में तो हमारी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है और टेस्ट में भी है सरकार के और पहले भी कमी नहीं आने दी थी हमारे वक्त में कोई कमी नहीं आई कभी हर 15 दिन में थोड़े दिन तो थोड़ी बहुत तकलीफ आती है जब क्लोजर होता है नहीं बांटती है तो मरम्मत करना जरूरी होता है इसलिए तो वहाँ पर आगे तकलीफ नहीं हो पर आप निश्चिंत रहें कि वो टीडी वाली बात आपने करी तो टीडी वाली बात आपने करी वो समस्या वास्तव में वहाँ पर दूसरी बार आगे टीडी है बीकानेर के अंदर इवन बाड़मेर के इलाकों के अंदर जानोगी इलाकों के अंदर तो हम लोग पूरी तरह बात कर रहे हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती थी उन्होंने शुरू कर दिया मेरी 35 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए तो हम लोग अपने स्तर पे काम शुरू कर दिए और आगे और बढ़ाएंगे काम को जैसे गिरदावरी रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे हमको ऑनलाइन पैसा जाता है वो पैसा हम लोग रिलीज करते जाएंगे और फिर इंश्योरेंस की बात आएगी तब हम लोग और ज़्यादा मॉनिटरिंग करेंगे दूसरी बार जीत गए इतना घमंड अहम आ गया कि वो प्रवेश नहीं कर रहे नौकरी जा रही है लगी नहीं भारत की हालत क्या देश के सबको मालूम है सारे मीडिया में सारे आर्टिकल्स का आता करता है आज भी बोल रही है नीति आयोग बोल रहा है सबको मालूम रुपये का अनुमोलन हो गया होते ही आ रहा पेट्रोल डीजल के दाम सबको मालूम है महंगाई बढ़ती जा रही है प्याज है कुछ भी तो कोई फ्रंट पे सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही खाली बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ नहीं तो कोई इशू है मान लीजिए मंत्री का इशू था 370 का है या अभी NCR NRC लेके आ गए CAA लेके आ गए NPR लेके आ गए तो इनको ये ध्यान भटकाने का काम कर असली मुद्दे देश में है कि लोग रोजगार कैसे मिले नौकरी कैसे आर्थिक स्थिति मजबूत हो कैसे इन्वेस्टमेंट आए जिससे नौकरी लगने लगे प्राइवेट सेक्टर में और कैसे पब्लिक सेक्टर की कहीं आए जैसे कि रिफाइनरी आ रही है और तीन के तीन काम हो सकते हैं चिंता रिफाइनरी की भी है क्योंकि लापरवाही कर दी भारत सरकार ने इनकी कंपनियों ने तो समय पर ही रिफाइनरी नहीं आ पा रही हम चाहते हैं हम भी दबाव बनाए रखें इसके लिए एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा देश से बिना एक्सपोर्ट के आप ठीक नहीं हो नहीं सकता तो तमाम मुद्दे इनके खिलाफ चलते हैं उन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी चाहते हैं कि पूरा देश चिंतित है उन सभी देशवासियों की युवाओं की भावना को रिप्रेजेंट करने के लिए वो जयपुरा